फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनीत और आप देख रहे हैं टेक वाइज इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नोकिया की तरफ से खबर आ रही है कि नोकिया अपना दो नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाली है। नोकिया X6 की बात करें दोस्तों, तो नोकिया X6 के बारे में हम बात करेंगे। नोकिया X6 में आपको दोस्तों का डिजाइन बात करें अगर दोस्तों इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो आपको इसको बैक में दोस्तों बैक में ग्लास बॉडी देखने को मिलेगी, कोई एल्युमिनियम बॉडी आपको देखने को नहीं मिलती डिजाइन में। और जो आपको साइड में मिलता है दोस्तों बॉर्डर जो मिलेगा दोस्तों, इसमें आपको प्लास्टिक की ही बॉडी देखने को मिलेगी। तो बात करें अगर हम इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको 5.8 इंच का फुल 80 प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 2.5 डी कर्व ग्लास होगा। दोस्तों, प्रोटेक्शन की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। डिस्प्ले का डिजाइन दोस्तों नॉच डिस्प्ले होगा, जो कि भी इसमें ट्रेंड में चल रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो कैमरा डिपार्टमेंट में आपको बहुत ही अच्छा कैमरा सेटअप मिलता है, क्योंकि आपको बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, जो कि 16+5 मेगापिक्सल का होगा। तो दोस्तों 16 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, वो f/2.0 अपर्चर के साथ लेस होगा। और जो सेकेंडरी कैमरा होगा फ्रंट, वो आपको 5 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर होगा, जिसकी सहायता से आप ब्लैक एंड व्हाइट पिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। और इसके सहायता से आप DSLR टाइप की फोटो, जैसे बोके फिट बोलते हैं, वो फोटो आप बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। दोस्तों, बात करें हम इसकी स्टोरेज की, तो दोस्तों आपको इसमें दो अलग अलग स्टोरेज मिल जाती है। पहला होगा आपका 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, वहीं दूसरे स्टोरेज की बात करें तो आपको 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके बैटरी की, तो बैटरी आपको 3060mAh की मिलेगी, क्योंकि हमें थोड़ी सी कम बैटरी लग रही है फ्रेंड। अगर ये 35 इंच की बैटरी होती तो काफी अच्छा होता। वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो इसमें एंड्रॉइड 8.0 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। वहीं बात करें दोस्तों, इस बैटरी में आपको जो USB टाइप सी को देखने को मिल जाता है, इसकी सहायता से आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर लेता है फ्रेंड्स। और वहीं बात करें दोस्तों इसमें फिंगरप्रिंट की, तो जी हाँ, आपको इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, फेस रिकॉग्निशन भी मिल जाएगा फ्रेंड। और इसमें आप फ्रेंड जो है 3.5mm हेडफोन जैक में। दोस्तों, अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, तो जो प्राइसिंग अभी एग्जैक्ट पता नहीं है फ्रेंड की प्राइसिंग होने वाली क्या है, लेकिन जो रूमर से खबर निकल के आ रही है दोस्तों, तो प्राइसिंग तकरीबन आपको ये 20 से 21 हज़ार रुपये प्राइसिंग होने वाली है फ्रेंड दोस्तों इसकी, क्योंकि मुझे लगता है काफी महंगा फोन लेने वाला है, क्योंकि रेडमी नोट 5 प्रो से जो कंपेयर की बात की जाती है, तो सिर्फ डिस्प्ले से कुछ नहीं होता फ्रेंड। डिस्प्ले तो मानते हैं अच्छा है ही, मानते सब कुछ सही है, डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर हम रेडमी नोट 5 प्रो से कंपेयर करें दोस्तों, तो रेडमी नोट 5 प्रो में बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अगर कैमरे की बात करें, तो उसका जो कैमरा सेटअप है दोस्तों, वो काफी बेहतर है इस मोबाइल से, क्योंकि उसमें आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा जो मिलता है वो 20 मेगापिक्सल का मिलता है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है कैमरे में, बैक कैमरे और फ्रंट कैमरे दोनों में, जो कि एक प्लस पॉइंट है। बैटरी की बात करें, उसमें जो बैटरी मिलती है 4000mAh की बैटरी मिलती है, और इसमें जो बैटरी मिलेगी आपको सिर्फ 3000mAh की बैटरी मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, इस और सारी जानकारी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी स्पेसिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जो भी चीजें छूट गई हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों, जो भी चीज आपको पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो भी इस मोबाइल के बारे में पूछना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगली वीडियो।